इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। यहाँ पर हमारे साथ कर्नल साहब भी मौजूद हैं और उन्होंने तीन जंगें लड़ी हैं और तीनों जंगों में वो शरीक रहे हैं। मेरा कर्नल साहब ये सवाल है कि ये हुकूमत अपने आप को राष्ट्रवादी और देशभक्त साबित करना चाहती है, बमुकाबिल जो भी इस सत्ता से सवाल करता है वो देशद्रोही बन जाता है या तो देश के मुखालिफ बन जाता है, तो ये जो राष्ट्रवाद की जो परिभाषा जो सीमित की जा रही है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद आर्मी से हैं, फौज से हैं और तीन जंगें लड़ी हैं आप पाकिस्तान की। ये जो देशवादी देश विरोध है ये सब जो है इनका बनावा है, या बहुत से कानून हैं देश में जो लॉज है, इंडिया के लॉज है, जो कानून है वो जो देश विरोध है उनको पकड़ने के लिए है ही मौजूद है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो आप एक आदमी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिए वो देश विरोधी हो जाता है, ये गलत बात है। देश विरोधी बहुत सीरियस मामला है, ये बहुत ऐसा लफ्ज है ये कि कोई भी अपना खिलाफ नहीं मानने के लिए तैयार होगा, तो ये देश विरोधी किसी को होनी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई भी यहाँ पर इस जगह में देश विरोधी है, लेकिन हाँ वो जो सरकार के खिलाफ जो होता है उसको देश विरोधी बोलना गलत है। वो नहीं, अगर सत्ता से सवाल पूछने के बाद फौरन जो है देशद्रोही, देश विरोधी, इसे पाकिस्तानी, इस तरह के जो टैग लगाए जाते हैं, इस तरह से के अलकाबों से नवाजा जाता है, इस पर आप एक फौजी होने के नाते, कर्नल होने के नाते आप क्या इस सरकार को पैगाम देना चाहेंगे? तो मैं इस सरकार को यही बोलता हूँ, ये लोग जो विरोधी बोलते हैं वो अपने जो है गलतियों को छुपाने के लिए वो बोलते हैं, उनको पता है कि वो जो है जो काम कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन उसको छुपाने के लिए दूसरों को दोषी ठहराते ही है। तो मेरा मैं खुद अपने देश के लिए लड़ा हूँ और मैं जानता हूँ, और मैं लड़ने के बाद भी मुझे फ़ख्र है कि मैं इधर खड़ा हूँ, और इसलिए खड़ा हूँ कि लोगों को बताने के लिए यहाँ कोई एंटी इंडियन या भारत के खिलाफ है, हम सब देश के लिए हैं और हम सब देश के लिए लड़ेंगे, यही है। हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद थे, उन्होंने तीन जंगें लड़ी हैं दुश्मन मुल्कों के खिलाफ और वो खुद यहाँ पर आए हैं, और NRC CAA जिस तरह का कानून जो भाजपा और जो मरकजी हुकूमत ने नाफिज किया है वो गलत है। हमारे साथ और एक कर्नल साहब हैं, वैद्यनाथन, हमारे साथ कर्नल वैद्यनाथन हमारे साथ मौजूद हैं। ये बड़ी ये बायसा फ़ख्र बात है कि ऐसे लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं कि वो हुकूमत को ये पैगाम दे रहे हैं कि आपकी जो ये इकदाम है वो गलत है। तो हमारे साथ एक और कर्नल साहब हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो जिस तरह के कानून नए नए नाफिज किए जा रहे हैं देश के अंदर और आप भी यहाँ आए हैं कि NRC CAA के ख़िलाफ़, तो ये आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मरकजी हुकूमत को, फिर आवाम को भी? हम सभी भारतीय हैं, विभिन्न ये मजहब के हैं, विभिन्न कल्चर के हैं, फिर भी हम भारतीय हैं, हम किसी को अलग नहीं कर सकते, अनलेस कोई उसके मुताबिक विरोधी है करके अपने आप को प्रूव करता है तब तक हम किसी को विरोधी नहीं बोल सकते। नौजवानों को मौजूदा देश के हालात के लिए आप क्या पैगाम दें? हम सभी जो भी है भारत के लिए, हित के लिए जो भी अच्छा लगता है उसी को करना है, जो आपको समझ में ठीक लग रहा है आपका आत्मविश्वास से जो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये फौज के सिर्फ फौजी नहीं थे बल्कि कर्नल थे और कई जंगों में इन्होंने हिस्सा लिया था पाकिस्तान के खिलाफ, और वो खुद भी कह रहे हैं कि ये इस तरह के जो कानून हैं वो इस मुल्क पर ज़्यादती हैं और थोपे गए हैं, लिहाजा वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस एहतजाज में वो शरीक हैं। बेलगाम शहर के मुख्तलिफ विद द पीपल, यानी कि पूरे मुख्तलिफ धर्मों के मुख्तलिफ जातियों के जो लीडरान हैं, जिम्मेदारान हैं, वो यहाँ पर आकर बैठे हैं और उनका यही कहना है कि NRC CAA को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, इसलिए कि यह कानून इस जनता पर, इस आवाम पर एक ज़्यादती है। देखना है कि जिस तरह से आज दिल्ली के इंतखाबात के नतीजे भी आए हैं और पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने डेवलपमेंट पर, तरक्की पर जीत हासिल की हुई है, और धर्म के नाम पर जिस तरह से प्रोपेगंडा किया गया था भाजपा की जानिब से,
थे, उसके बावजूद भी वो हार चुके हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसी तरह के नतीजे पूरे मुल्क में बरामद होंगे और जितनी भी जो भी पार्टी हो जो धर्म के नाम पर लड़ाना चाहती है वो यूं ही मुंह के बल गिरती रहेगी। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वी द पीपल ऑफ इंडिया बेलगाम में हमने एक फोरम बनाया है जिसमें सब कम्युनिटी के, सब धर्म के, सब जाति के लोग जुड़े हुए हैं और जैसे पूरे भारत में, पूरे हमारे देश में एक मूवमेंट चला हुआ है, जो सरकार ने जो काला कानून बनाया है, काला कानून बनाया है CAA का, उसके विरोध में वी द पीपल ऑफ इंडिया इसको अपोज कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए कि ये जो कानून बना है ये हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। और फिर CAA को NRC से जोड़ दिया गया, पार्लियामेंट में इसकी बात कही गई, एक बार नहीं कई बार, और NRC को NPR से जोड़ दिया गया। और सरकार ये चाहती है कि करोड़ों लोग, इसमें सब धर्म के लोग सफ़र होंगे, सब जाति के लोग सफ़र होंगे, करोड़ों लोगों को रास्तों पर आना पड़ेगा। इस देश के नागरिक होने के बावजूद ये साबित करना होगा अपने डॉक्यूमेंट से, अपने माता पिता, बूढ़े माँ बाप के डॉक्यूमेंट्स भी लाना होगा, कहाँ से लाएंगे, और साबित करना होगा कि आपके माता पिता भी नागरिक हैं, आप भी नागरिक हैं। यहाँ कितने अनपढ़ लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं, देहातों में, करियों में क्या पोजीशन है, कहाँ ये रास्तों पर खड़े होकर डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, कैसे ये पॉसिबल है। और फिर ये बताया जा रहा है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम्स नहीं हैं, इस्लाम धर्म पे नहीं चलते हैं, वो लोग अगर डॉक्यूमेंट नहीं लाएंगे तो उनको CAA का दरवाज़ा खोल दिया गया है और उनको नागरिकता मिल जाएगी। और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, वो अगर डॉक्यूमेंट नहीं लाएंगे तो नागरिकता उनसे छीन ली जाएगी। तो क्या हमारी सरकार क्या करना चाह रही है, ये साफ नज़र आ रहा है। और इसीलिए पूरे देश में अवाम उठे हैं, सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं उठे हैं, सारे धर्म के लोग उठे हैं कि कहाँ जा रही है सरकार हमारी, क्या कर रही है सरकार, ये नफ़रत, ये घृणा, ये शत्रुता, ये साफ नज़र आ रहा है कि पोलराइजेशन करना चाहती है, डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। टुडे वी हैव गैदर्ड हियर फॉर द ड्रैकोलियन लॉ विच हैज़ बीन पास्ड एट द पार्लियामेंट रिसेंटली। It is against the constitution of this nation, where a nation approves as the fraternity, and these people has killing the every fabric of the democracy through this draconian law. Therefore, total India, all the Belgamites, irrespective of the language, caste, creed, they have gathered here to oppose that draconian law. And we request the governments, whether state or central government, they are our parents. We are their children, so they have to take care of us, the children, so that we'll be happy, peacefully, harmoniously, we'll be living together. And regard, as our representatives told us, that regarding CAA, NRC, NPR, we request the government rethink and consider and help us to do favor to the people of our nation, especially the people of our Belgaum. We want to pray to God that India, for me, as a human body. और आज हम 11 तारीख को DC कंपाउंड में एक एहतजाज के लिए बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत यहाँ पर जमा हुए हैं। यहाँ पर ईसाई भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं, उलमा इकराम का एक जमे गफ़ीर भी है, शहर बेलगाम के तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, और हमारे दस्तूर हिंद, आइन हिंद, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्द रखने वाले तमाम शहरी यहां पर मौजूद हैं। राहत इंदौरी हिंदुस्तान के मुसलमानों से मुतालिक कहते हैं, यकीन हो के न हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म में मिट्टी इसी ज़मीन की है, हमारे मुल्क के सभी लोग भाई भाई हैं, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। ये बात बड़ी ही शर्मनाक हो सकती है कि कोई हमारी पहचान के लिए हमारे कपड़े उतरवाए, लेकिन जब कोई बंदा जुर्म कर बैठता है तो उसे जेल में डालने से पहले उसके कपड़े निकाल करके चेकिंग होती है, बात सही है। लेकिन हिंदुस्तानी होने के एतबार से, भारतीय होने के एतबार से, इंडियन होने के एतबार से आज हमसे प्रूफ मांगा जा रहा है, ये उससे भी बड़ा ख़तरनाक है कि एक इंसान को उसके कपड़े निकाल करके नंगा किया जाए।
आज यहाँ पर जो हम हिंदू मुसलमान दलित भाई क्रिश्चियन भाई यहाँ पे जमे हुए हैं, हमारी एकता दिखाने के लिए हम यहाँ पर इस जगह पे जमे हुए हैं। और जो हमारे संविधान को इस देश के जिनको चलाने के लिए हमने चुना है, उस संविधान को अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम हरगिज़ होने नहीं देंगे। देश चलता है अपने संविधान से और संविधान की इज्जत करना उनका फ़र्ज है, लेकिन अपने वोटों के लिए पोलराइजेशन करके हिंदुओं में, मुसलमानों में और दूसरे दलितों में ये लोग जो फूट डाल रहे हैं, ये बिल्कुल ही ये नहीं है, हमें मंजूर नहीं है। हजरात, आज हम सब मुख्तलिफ मजहब धर्म के मानने वाले मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म पे खड़े हैं, जिनका मकसद हमारे मुल्क में मौजूद एक नया कानून CAA और एक ऐसा कानून जो आने की तैयारी में है और जिसकी हरारत आज पूरे मुल्क में महसूस की जा रही है, यानी NRC। हम इन दोनों काले कानून और इसके साथ साथ NRP के ख़िलाफ़ हम सब एहतजाज के लिए, एहतजाजी धरना के लिए यहाँ पर मुत्तहिद हैं। इवत देश नडद नमकिंत निमगे चेन्नागि गोत्तागिदे। देशदल्लि ऐनंद्रे समता स्वातंत्र बंधुत्व ई ओंदु मूर तंत्रदल्लि संविधान निर्मिसिदंत बाबा साहेब अंबेडकर अवर अवमान माडुवंत घटने नडेतागिदे। ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಕಿದ ಅನ್ನು ನಾಯಕುಣಿಗಳು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಡೆದಾಕ್ತೇವಿ, ಮನಸ್ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ತರ್ತೇವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ದೇಶನ ಸುಧಾರಿಸೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗೋದ ಇದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ರಾವ್ ಅಂತ ಬಾಂಬ್ ಬಿಟ್ಟಾನ, ಅವನ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಇರ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತಿದ್ರು, ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ದಹಶತ್ವಾದಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ದಹಶತ್ ಮಾಡೋವರೆಗೇನೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಜಾತಿವಾದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋರಿಗೆ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಇವ್ರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ಥರ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಕುರಂಗಿ, ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ, ಬೆಳಗಾಂ. ಕರ್ನಲ್ ಜಿ, ಆಪ್ಸೆ ಹಮ್ ಜಾನ್ನಾ ಚಾಹೆಂಗೆ ಕಿ ಆಜ್ ಯಹಾಂ ಪೆ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಯೇ ಜಮೆ ಹೈ, ಯೇ ಕಿಸ್ ರೀಜನ್ ಸೆ ಜಮೆ ಹೈ? ಯೇ ಜೋ ಹೈ, ಯೇ ಜೋ ದಿಲ್ಲಿ ಸೆ ಯೇ ಜೋ ಕಾನೂನ್ ಬನಾ ಹೈ, CAA ಔರ್ NRC ಕಾ ಜೋ ಕಾನೂನ್ ಬನಾ ಹೈ, ಯೇ ಹಮ್ ಸಮಜ್ತೆ ಯೇ ಕಾನೂನ್ ಗಲತ್ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಹಮ್ ಸಬ್ ಯಹಾಂ ಹಿ ಪೈದಾ ಹುಯೆ ಹೈ ಔರ್ ಹಮ್ ಯಹಾಂ ಹಿ ಹಮ್ ರಹನೆ ವಾಲೆ ಯಹಾಂ ಕೆ, ಬಾಹರ್ ಸೆ ಕೋಯಿ ನಹೀಂ ಆಯಾ. ನೀ ಅಭಿ ಇನ್ಕಾ ತೋ ಸವಾಲ್ ಹೈ ಕಿ 2014 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೆ ಪಹಲೆ ಜೋ ಆ ಚುಕೆ ಹೈ ಉನ್ ಉನ್ ಲೋಗೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹೈ, ತೋ ಇಸ್ಸೆ ಕೋಯಿ ಆಪತ್ತಿ ಹೋನಿ ಚಾಹಿಯೆ ಯಾ ನಹೀಂ? ನಹೀಂ ನಹೀಂ ನಹೀಂ, ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಸೆ ಯಹಾಂ ಕೆ 14 ಔರ್ ಉಸ್ಸೆ ಬಾದ್ ಉಸ್ಕೆ ಉಸ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಸವಾಲ್ ಹಿ ಪೈದಾ ನಹೀಂ ಹೋತಾ ನಾ. ಜೋ ಹೈ ಸಬ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೈ, ಸಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೈ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೈ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೈ, ಫಿರ್ ಔರ್ ಕ್ಯಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕರ್. ಬಟ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ತೋ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನಹೀಂ ಹೈ, ಯೇ ಚೀಜೆ ಕಾಫಿ ನಹೀಂ ಹೈ ನಾಗರಿಕತಾ ಸಾಬಿತ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ. ದೇಖೋ ಜಿನ್ಹೋನೆ ಉನ್ಕೋ ವೋಟ್ ದಿಯಾ ಔರ್ ಜೋ ಉನ್ಹೋ ಸಫ್ತಾ ಮೇ ಆಯೆ ದಿಲ್ಲಿ ಮೇ, ಉನ್ಸೆ ಉನ್ಕಾ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪೂಛ್ತೆ ನಾ, ಯೇ ಕಹಾಂ ಕಾ ಜೋ ಹೈ, ಯೇ ಮತಲಬ್ ಐಸಾ ಥೋಡಿ ಹೋತಾ ಹೈ, ಯೇ ಕ್ಯೋಂಕಿ ರೀಜನ್ ತೋ ಬನ್ತೆ ನಹೀಂ ಇಧರ್ ಸೇ.